हेलो एवरीवन तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इरोडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.118 तो जो भी क्वेश्चंस हैं 1.110 से 1.117 तक तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया क्योंकि ये जेई के सिलेबस में नहीं है तो जो भी जेई के सिलेबस में सेलेक्टेड इरोडोप के क्वेश्चन हैं वो मैंने अपने जो कम्युनिटी पेज है यूट्यूब के कम्युनिटी पेज वहाँ पर पोस्ट ऑलरेडी कर दिया वहाँ से देख सकते हो कौन से कौन से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो जिसको भी ये चिंता हो रही है इन इन जो प्रॉब्लम्स के बीच वाले जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्वेश्चन तुम स्किप कर सकते हो

अगर हमारा फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो अदरवाइज हमें क्या यूज करना पड़ता अदरवाइज हमें यूज करना पड़ता R1 to R2. अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होता तो डिस्प्लेसमेंट के साथ हमें ये वाला यूज करना पड़ता है ना एफ डॉट डी एस वैक्टर और उसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ता बट यहाँ पर क्योंकि फोर्स देखो एक कॉन्स्टेंट वैक्टर है थ्री आई कैप्लस फोर जी आई कैप सिंपल हम लोग यहाँ पर एफ डॉट एस

Displacement vector हो गया जिसमें हमने क्या किया R2 vector minus R1 vector किया तो work done simple, इन दोनों का dot product, that is 3 I cap. बोला ना सब बहुत ज़्यादा इससे बेसिक से क्वेश्चन क्या हो सकता है dot I cap minus 5 J cap. तो ये से तीन हो गया माइनस चार पचे बीस हो गया इतना जूल हुआ माइनस सेवनटीन जूल तो वर्क डन कितना हो गया जूल तो पार्टिकल में जो वर्तन हुआ इस फोर्स की वजह से इस फोर्स की वजह से जो वर्तन हुआ वो नेगेटिव वर्तन हुआ तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को लाइक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू सो मच